नमस्कार दोस्तों मैं राहुल रावत वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आई जस्ट होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे एक और नया भर्ती नोटिफिकेशन मोस्टली मैं आ, दो या तीन नोटिफिकेशन की बात करने वाला हूं इस वीडियो में सो so, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डी के अंतर्गत आपका मोर देन वन थाउजेंड पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिनकी लाइफ है डी जो अपीयर कर रहे हैं डी के लिए तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है नोटिफिकेशन हो सकता है तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सो so, uh, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में पास से भी नोटिफिकेशन आइकन को जरूर हिट कर दें गुज़ आने वाली जो अपकमिंग अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी सो so, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया आपका डीआरडी की तरफ से जारी किया गया डिफेंस रिसर्च और एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जिसके अंतर्गत आपका टोटल पोस्ट पर आपका ये पोस्ट जारी किया गया वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर एडमिन एंड लाइट ए एंड ए कैडर ऑफ डी आर डी तो यहाँ पर बताया गया है आपका क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी सात दिसंबर 2022 है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके सात नवंबर 2022 से स्टार्ट होंगे टाइमिंग आपका 1000 थाउजेंड आवर्स है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अप सात दिसंबर 2022 को होगा वन सेवन डबल जीरो आवर्स एंड टेंडेटिव डेट ऑफ टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि आपका चॉइस बेस्ड सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और सी बी टी होगा टू बी अनाउंसमेंट ऑन डी आर डी ओ वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डी आर डी ओ डॉट जी वी डॉट इन सो ये मैंने ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ये रिक्रूटमेंट चेकआउट किया था आज के डेट में सत्ताईस दस दो हज़ार बाईस डेट में ये अपडेट कर दिया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव द ई क्यू आर एज ऑन द

एक लाख बारह हजार चार सौ रुपये एज पर द सेवन सी पी सी पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग सैलरी रखी गई है फर्स्ट पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर जे टी ओ की जे टी ओ के अंतर्गत अगर आपने मास्टर डिग्री फॉर ऑफ आ रिकनाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश हिंदी एंड हिंदी इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और अदरवाइज आपके पास मास्टर डिग्री और ऑफ अ रिकोगग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज अ कम्पल्सरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल नॉट एक्सीडिंग थर्टी ईयर एज बताया गया है ग्रुप बी की यह पोस्ट है साथ ही बताया गया बैचलर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट और अदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज द मेन सब्जेक्ट प्लस रिकोगनाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रांसलेट फ्रॉम द हिंदी एंड इंग्लिस एंड और टू ईयर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क फ्रॉम हिंदी इंग्लिश एंड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग स्टोनोग्राफर ग्रेट पोस्ट है आपका इंग्लिश हिंदी के लिए बैचलर डिग्री ऑफ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी स्किल टेस्ट नॉर्म्स दिया गया है डिक्टन टेन मिनट वन हंड्रेड वर्ड पर मिनट की फोर्टी मिनट इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर नॉट एक्सीडिंग थर्टी ईयर ग्रुप बी की ये पोस्ट है पे लेवल पहले मैंने बात करी थी सिक्स की अब पे लेवल फोर की है जिसमें आपको पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेके इक्यासी हज़ार एक सौ रुपये सैलरी दिया जाएगा एज़ पर सेवन सी पी सी पे मैट्रिक्स माफी चाहूँगा दिवाली के टाइम पर आपको इसमें वॉइस देखने को मिलेगी तो उसके जरूर आप स्किप कर दीजिएगा हो सकता है बिकॉज़ दिवाली के टाइम पे हैं तो इसलिए वॉइस जरूर इस आ जा गई स्टेनोग्राफर ग्रेट सेकेंड की पोस्ट है इंग्लिश एंड टाइपिंग के लिए ट्वेल्थ क्लास पास फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी स्किल टेस्ट नॉन्स दिया गया है बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर ग्रुप सी की ये पोस्ट है नेक्स्ट तो आपका पे लेवल टू की है उन्नीस हजार नौ सौ से लेके तिरसठ हज़ार दो सौ रुपये एज़ पर द सेवन सी पी सी पे मैट्रिक्स है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ए पोस्ट है इंग्लिश uh, टाइपिंग के लिए ट्वेल्थ पास द क्यूअर एंड फॉराम द रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर दिया गया इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट टाइम अलाउड टेन मिनट थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट कॉरस्पोंडस ऑफ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के डी पी एच ऑन एन एवरेज ऑफ फाइव की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर के बीच में कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ग्रुप सी की ये पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग के लिए है ट्वेल्थ पास आउट इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकगनाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपके पास स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर के बीच में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ग्रुप सी की पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट के लिए भी ट्वेल्थ पास फ्रॉम रिकगनाइज बोर्ड के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर दिया गया इंग्लिश टाइपिंग एट द थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्डर्स टू द टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के डी पी एच ऑन एवरेज फाइव की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड टाइम टेन मिनट बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर के बीच में आवेदन ग्रुप से पोस्ट स्टोर्ड असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट के लिए है ट्वेल्व पास फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड साथ ही में सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ट्वेल्व पास और रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाई द आर्म फोर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑल राइट व्हीकल ऑपरेटर के लिए पोस्ट है टेंट स्टैंडर्ड पास फायर इंजन ड्राइवर एक ही पोस्ट है फायरमैन के लिए पोस्ट है तो यहाँ पर दिया गया डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर एडमिन एंड ए एंड ए कैडर के लिए सो so, बात करें इसमें जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जे के लिए पोस्ट रखी गई है के ट्वेंटी थ्री है टोटल आपका थर्टी है स्टेनोग्राफर ग्रेट फर्स्ट के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए टोटल आपका एस सी के लिए थर्टीन एस टी के लिए फोर ओ बी सी के लिए फोर्टी ई डब्ल्यू एस के लिए ट्वेल्व एंड डिजर्व के लिए वन फोर्टी सिक्स दो सौ पंद्रह टोटल पोस्ट हैं स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो टोटल वन ट्वेंटी थ्री पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए टू फिफ्टी है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ट्वेल्व है स्टोर असिस्टेंट के लिए वन थर्टी फाइव है स्टोर असिस्टेंट के लिए फोर है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए थर्टी टू है व्हीकल ऑपरेटर के लिए एटी टू है फायर इंजन ड्राइवर के लिए थर्टीन है फायरमैन के लिए फिफ्टी सेवन इस तरीके से टोटल आपका सिक्स सेवनटी नाइन पोस्ट नहीं वन थाउजेंड सिक्सटी वन पोस्ट है सॉरी अनव कैटेगरी की मैंने बात करी सिक्स सेवनटी नाइन पोस्ट है और टोटल आपका वन थाउजेंड सिक्सटी वन पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा सेक्शन टू की बात करें तो इसमें आपका डेमोनरेशन एंड सर्विस कंडीशन दिया गया है टर्म्स एंड पोस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट बताया गया जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं एंड इसका पी आपको डी के ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन जरूर करें बिकॉज आने वाली अपकमिंग अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी बात करें इसमें एग्ज़ामिनेशन सिटी फॉर टायर फोर्स सी के लिए तो यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन से सिटीज की जानकारी दिया गया जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं साथ ही बात करें अभी हम इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे रिजेक्शन uh, क्राइटेरिया दिया गया डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड के बारे में है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल पोस्ट के लिए टायर सेकंड स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट जिसमें आपका हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर मिनिमम फीमेल के लिए 157 मिनिमम है चेस्ट अनएक्सपेक्टेड 81 सेंटीमीटर मिनिमम एंड फीमेल के नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पर दिया गया है टेबल टू सी के लिए प्रोविजनल सिलेक्शन फोर्टी क्वेश्चन ऑन जर्नल हिंदी फोर्टी क्वेश्चन ऑन जर्नल इंग्लिश के लिए एटी मार्क्स ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिक्सटी मिनट नेक्स्ट आपका सेवनटी फाइव क्वेश्चन ऑन एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल इंग्लिश के लिए सेवनटी फाइव क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन ऑफ जो एग्जामिनेशन मिनट है उसमें है स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी

सो यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स से जो आप सभी लोगों तक शेयर करना था कि डी के अंतर्गत आपका ग्रुप सी व ग्रुप बी की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी जिन भी बच्चे जो भी बच्चे हैं जो डी के अंतर्गत अपीयर कर रहे हैं आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा ग्रुप सी व ग्रुप बी के अंतर्गत साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की मैं बात करूंगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना मसूरी के अंतर्गत आपका आठ नौ दो हज़ार बाईस की डेट में एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया था वैकेंसी सर्कुलर ऑन डेपूटेशन बेसिस जिसमें कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वन पोस्ट थी तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी के अंतर्गत ये पोस्ट थी जिसमें आपका लेवल सेवन की पोस्ट थी साथ ही में आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी वन पोस्ट थी और असिस्टेंट के लिए वन पोस्ट थी जहाँ पर आपका uh, डेपूटेशन बेसिस थी और लेवल सिक्स की इसमें सैलरी दिया जाना था एलिजिबिलिटी क्राइडेर की बात करें ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर होल्डिंग एन पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट क्रेडर ऑफ डिपार्टमेंट और अदरवाइज विथ टेन ईयर रेगुलर सर्विसेज इन पे लेवल फोर्थ के बीच में साथ ही मैं अपर डिवीज़न कलर के लिए पोस्ट जारी किया गया था और तो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि विद इन सिक्सटी डेज नोटिफिकेशन के लिए बताया गया था लास्ट डेट